Hello friends, welcome to Unix Spark Academy. In this video, we are going to discuss 25 most asked electrical objective question with their explanation, जो कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड है. दोस्तों, एट द एंड मेरा ही वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो यूनिक स्पार्क एकेडमी को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मेरे आने वाले आगे के वीडियो आप तक पहुँचवाए. सो चलिए स्टार्ट करते आज का सेशन. क्वेश्चन नंबर 1, फॉर एन टाइप सेमी कंडक्टर द डॉपिंग मटेरियल इज टेट्रावैलेंट, पेंटावैलेंट, ट्राईवैलेंट एंड बाईवैलेंट. जनरली डॉपिंग प्रोसेस के अंदर प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ इंप्योरिटी को ऐड किया जाता है. सो फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर द डॉपिंग मटेरियल इज पेंटावैलेंट एंड फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर द डॉपिंग मटेरियल इज अ टेट्रावैलेंट. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इन विच मोड ऑफ बीजेटी ऑपरेशन आर बोथ जंक्शन फॉरवर्ड बायस एक्टिव, कट ऑफ, सैचुरेशन, रिवर्स एक्टिव. जनरली दिस इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर. इट हैज थ्री टर्मिनल. फर्स्ट वन इज अ इमिटर, सेकेंड वन इज अ कलेक्टर एंड अनादर वन इज अ बेस. दिस इज अ इमिटर जंक्शन एंड दिस वन इज अ कलेक्टर जंक्शन. अगर आपके इमिटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन दोनों फॉरवर्ड बायस है देन बीजेटी ऑपरेट इन सैचुरेशन रीजन. अगर कलेक्टर जंक्शन और इमिटर जंक्शन दोनों रिवर्स बायस है देन बीजेटी ऑपरेट इन कट ऑफ रीजन. अगर आपका इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस है और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस है देन बीजेटी ऑपरेट इन एक्टिव रीजन. अगर आपका इमिटर जंक्शन रिवर्स बायस है और कलेक्टर जंक्शन फॉरवर्ड बायस है देन बीजेटी ऑपरेट इन रिवर्स एक्टिव रीजन. यहाँ पे पूछा गया है इन विच मोड बीजेटी ऑपरेशन आर बोथ द जंक्शन फॉरवर्ड बायस. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, सैचुरेशन रीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द बीटा ऑफ ट्रांजिस्टर इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू इमिटर करंट, इमिटर करंट टू कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट टू बेस करंट, बेस करंट टू कलेक्टर करंट. जनरली दिस इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर. इट हैज थ्री टर्मिनल. फर्स्ट वन इज अ इमिटर, सेकेंड वन इज अ कलेक्टर एंड थर्ड वन इज अ बेस. जनरली अल्फा इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू इमिटर करंट, बीटा इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू बेस करंट एंड गामा इज द रेशियो ऑफ इमिटर करंट टू बेस करंट. जनरली अल्फा इज इक्वल टू 0.98, बीटा इज इक्वल टू 49 एंड गामा इज इक्वल टू 50. यहाँ पे पूछा गया है द बीटा ऑफ ट्रांजिस्टर इज द रेशियो ऑफ, सो बीटा इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू बेस करंट. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ द करंट गेन इज 100 एंड कलेक्टर करंट इज 10 मिली एम्पियर द बेस करंट इज 10 माइक्रो एम्पियर, 10 एम्पियर, 100 माइक्रो एम्पियर, 1 एम्पियर. जनरली बीटा इज इक्वल टू 100 एंड कलेक्टर करंट आई सी इज इक्वल टू 10 मिली एम्पियर देन फाइंड आई बी. सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कलेक्टर करंट इज इक्वल टू बीटा इंटू बेस करंट. कलेक्टर करंट इज इक्वल टू 10 मिली एम्पियर मीन्स 10 इंटू 10 रेस टू माइनस 3, बीटा इज इक्वल टू 100 देन फाइंड आई बी. सो आई बी इज इक्वल टू 100 माइक्रो एम्पियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द बैरियर पोटेंशियल अक्रॉस इच सिलिकॉन डिफ्लेक्शन लेयर इज 0.3 वोल्ट, 0.7 वोल्ट, 1 वोल्ट, 0 वोल्ट. बैरियर पोटेंशियल इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ नी वोल्टेज. फॉर सिलिकॉन नी वोल्टेज इज इक्वल टू 0.7. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर एंड फॉर जर्मेनियम बैरियर पोटेंशियल इज इक्वल टू 0.3. फॉर सिलिकॉन 0.7 एंड फॉर जर्मेनियम 0.3. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इन कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन द इनपुट वी आई कैरेक्टरिस्टिक आर ड्रॉन बाय टेकिंग वी सी वर्सेस आई सी फॉर कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ आई, वी बी वर्सेस आई बी फॉर कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ वी सी, VBE versus IE for constant value of VC and VBE versus IB for constant value of IC. So option B is correct here. In common emitter configuration, the input VI characteristic are drawn by taking VBE versus IB for constant value of VCE. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इन कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन द आउटपुट वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर आर ड्रॉन बाय टेकिंग वी सी बी वर्सेस आई सी फॉर कॉन्स्टेंट आई,
VCE versus IC for constant I, VCE versus IB for constant I, VCB versus IB for constant IE. So option B is correct here. Generally in common base configuration, it is a graph between VCB versus IB for constant IE. Next question, question number 8, the pinch off voltage of JFET is 5 volts. Its cutoff voltage is under root 0.5 volt, 2.5 volt, 5 volt, invalid data. Generally pinch off voltage is nothing but a cutoff voltage. इसका मतलब जितना pinch off voltage होगा उतना ही आपका cutoff voltage होगा. So option C is correct here. Next question, question number 9, ideal operational amplifier has infinite input resistance, infinite output resistance, smaller gain, smaller bandwidth. Generally in ideal operational amplifier input resistance is infinity, output resistance is zero, gain is equal to minus infinity, bandwidth is infinity, common mode rejection ratio, that is the CMRR, is equal to infinity, and slew rate is equal to infinity. These are the characteristic of ideal operational amplifier. So option A is correct here. Ideal operational amplifier has infinite input resistance. Next question, question number 10, a differential amplifier has a differential gain of 20,000 and common mode rejection ratio 80 dB. The common mode gain is given by 1 2 0.5 250. Generally common mode rejection ratio is the ability of material to reject the common mode signal, and this is the formula for common mode rejection ratio in dB is equal to 20 log base 10 differential gain divided by common mode gain. Put all necessary values here and then calculate common mode gain. So option B is correct here. Next question, question number 11, a pulse generator is a stable multivibrator, monostable multivibrator, bistable multivibrator, Schmitt trigger. Generally monostable multivibrator is a pulse generator, whereas a stable multivibrator is a square wave generator. So option B is correct here. A pulse generator is a monostable multivibrator. Next question, question number 12, an unstable multivibrator has two quasi stable state, one quasi stable state, two stable state, no stable state. So option A is correct here. Because in unstable multivibrator two quasi stable state, in monostable multivibrator has one quasi stable state, and in bistable multivibrator having zero quasi stable state. तो यहाँ पे an unstable multivibrator पूछा गया है, so option A is correct here. Next question, question number 13, the bandwidth of low pass RC circuit is 1 kHz. What is the rise time of output for a step input? 0.35 millisecond, 3.5 millisecond, 0.35 second, and 1 millisecond. In low pass RC circuit, rise time into bandwidth is equal to 0.35. Put all necessary values here and then calculate rise time. So option A is correct here. 0.35 millisecond. Next question, question number 14, the maximum conversion efficiency of a class B push pull amplifier is 25%, 60%, 75%, 87.5%. Generally maximum conversion efficiency of class A amplifier is 25%, class AB amplifier is 60%, class B amplifier is 75%, and class C amplifier is 87.5%. सेम क्वेश्चन में कभी कभी एंगल ऑफ कंडक्शन पूछा जाएगा, देन एंगल ऑफ कंडक्शन ऑफ क्लास ए एम्पलीफायर इज इक्वल टू 360 डिग्री, एंगल ऑफ कंडक्शन ऑफ ए बी एम्पलीफायर इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्लास बी एम्पलीफायर के लिए एंगल ऑफ कंडक्शन आपका होगा 180 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक, एंड क्लास सी एम्पलीफायर एंगल ऑफ कंडक्शन इज लेस देन 180 डिग्री. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर. Next question, question number 15, the emitter of transistor is dop, lightly, moderately, heavily, none of these. Generally base of transistor is lightly dop, collector of transistor is moderately dop, and emitter of transistor is heavily dop. So option C is correct here. Next question, question number 16, early effect in BJT refers to zener breakdown, base narrowing, avalanche breakdown, thermal breakdown.
Generally, early effect is also called as a base width modulation. It is a process in which base width of the transistor can be altered by varying a collector junction voltage. So, option B is correct here. It is also called as a base width modulation. Early effect in a BJT referred to base narrowing. So, option B is correct here. Next question, question number 17. What is the most important fact about the collector current? It is measured in milliampere. It is approximately equal to emitter current. It equal the base current divided by current gain. It is a small. In any transistor, emitter current is equal to base current plus collector current. But base current is a very small as compared to collector current. Means that this base current is neglected here. इसका मतलब collector current is always equal to emitter current. So option B is correct here. What is the most important fact about the collector current? So it is approximately equal to emitter current. So option B is correct here. Next question, question number 18. In a transistor amplifier, the reverse saturation electric current double for every 1 degree Celsius rise in temperature, double for every 10 degree Celsius rise in temperature, double for every 5 degree Celsius rise in temperature, increase linearly with temperature. In a transistor amplifier, reverse saturation current is also called as a thermally generated current, or a minority carrier current, or leakage current. This current never depends upon the applied voltage, it depends only on temperature. For every 1 degree Celsius temperature, this leakage current, ICO, increases 7%, and for every 10 degree Celsius temperature, this leakage current ICO becomes double. It becomes double. So option B is correct here. In a transistor amplifier, the reverse saturation electric current doubles every 10 degree Celsius rise in temperature. Next question, question number 19. The resistance of a PN junction when it is a forward bias in the order of kilo ohm, mega ohm, ohm, none of the above. Generally in PN junction diode, forward resistance is always between 10 ohm to 100 ohm. Our reverse resistance jo hota hai, wo hamesha 1 mega ohm se jyada hota hai. So option C is correct here. The resistance of a PN junction when it is a forward bias in the order of ohm. Kitna hota hai wo? 10 ohm se leke 100 ohm tak. सेम क्वेश्चन अगर रिवर्स रेजिस्टेंस के लिए पूछा जाता है रिवर्स बायस के लिए तो इसका आंसर होगा ग्रेटर देन 1 मेगा ओम. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20. द सिलिकॉन ट्रांजिस्टर आर मोर वाइडली यूज्ड देन जर्मेनियम ट्रांजिस्टर बिकॉज दे हैव बेटर एबिलिटी टू डिसिपेट हीट, दे हैव स्मॉलर डिफ्लेक्शन लेयर, दे हैव स्मॉलर लीकेज करंट, दे हैव लार्जर इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कैपेसिटी. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर. दे हैव स्मॉलर लीकेज करंट. बिकॉज जर्मेनियम ट्रांजिस्टर का लीकेज करंट माइक्रो एम्पियर में होता है और सिलिकॉन ट्रांजिस्टर का लीकेज करंट नैनो एम्पियर में होता है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर. द सिलिकॉन ट्रांजिस्टर आर मोर वाइडली यूज देन जर्मेनियम ट्रांजिस्टर बिकॉज दे हैव स्मॉलर लीकेज करंट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21. इन अ पीएनपी ट्रांजिस्टर द मेजर कैरियर्स इन द इमिटर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, होल्स, बोथ, नन ऑफ दीज. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. होल्स. For PNP transistor, number of carriers are holes. For NPN transistor, number of carriers are free electron. So option B is correct here. In a PNP transistor, the major carriers in the emitter are holes. Next question, question number 22. Avalanche breakdown phenomenon in a Zener diode occurs due to electron multiplication, larger electric field intensity, both A and B, none of these. So option A is correct here. Generally avalanche breakdown occurs due to number 1 electron multiplication, number 2 multiple collision between electron and ions in the deflection layer, number 3 impact ionization. Similarly, Zener breakdowns occurs due to larger electric field intensity, tearing of and rupturing of covalent bond within the deflection layer. अभी आप फिलहाल आपको avalanche breakdown phenomenon पूछा गया है तो option A जो है आपका यहाँ पे करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23. द बाइसिंग सर्किट दैट गिव्स बेस स्टेबिलिटी टू क्यू पॉइंट इज बेस रेजिस्टर बाइसिंग सर्किट, पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग सर्किट, फीडबैक रेजिस्टर बाइसिंग सर्किट एंड इमिटर रेजिस्टर बाइसिंग सर्किट. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग सर्किट. बिकॉज इन पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग सर्किट स्टेबिलिटी फैक्टर इज अ वेरी स्मॉल एंड देयरफॉर द सर्किट इज हैविंग वेरी गुड थर्मल स्टेबिलिटी. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर.
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इन द फॉलोइंग कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड इमिटर फॉलोअर, कॉमन बेस, कॉमन इमिटर, कॉमन कलेक्टर, नन ऑफ द अबव, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, कॉमन कलेक्टर. इन अ कॉमन कलेक्टर कॉन्फिगरेशन आउटपुट वोल्टेज दैट इज द इमिटर वोल्टेज विल बी फॉलोइंग द इनपुट वोल्टेज, हेंस कॉमन कलेक्टर इज कॉल्ड एज अ इमिटर फॉलोअर, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इन द फॉलोइंग कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड इमिटर फॉलोअर, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, एन एम्पलीफायर एज अ इनपुट पावर ऑफ 2 माइक्रोवैट, द पावर गेन ऑफ द एम्पलीफायर इज अ 60 dB, द आउटपुट पावर विल बी 2 mW, 6 μW, 2 W, 120 μW. जनरली पावर गेन इन dB इज इक्वल टू 10 log base 10, आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर, पुट ऑल नेसेसरी वैल्यूज हियर एंड देन कैलकुलेट आउटपुट पावर, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, 2 W. तो थैंक यू एवरीवन, आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा. तो यूनिक स्पार्क एकेडमी को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और दोस्तों के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो.